तो फ्रेंड्स अभी भाभी मेरे से गुस्सा हो रही है, ये ना दोनों के दोनों ही पागल है गाइस, सच्ची में ये भी। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? तो आप बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस आज मेरी क्लास थी लेकिन वो हो चुकी है कैंसल। थी ही नहीं, पहले ही सर्कुलर आ गया था, थी ही नहीं। आपने पढ़ा क्या? नहीं, सर्कुलर मैंने पूरा ही नहीं पढ़ा था, थोड़ा ही पढ़ा था बेटे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, आज इस मोटे की क्लास हो कैंसल। मैंने सर्कुलर पढ़ा नहीं, पूरा नहीं पढ़ा, मतलब मैंने आधा सर्कुलर पढ़ा था और बेचारे को सुबह सुबह उठा दिया। कोई बात नहीं, इसी बहाने उठ गया, नहीं तो 11 बजे तक इसे उठना नहीं था। तो अभी फ्रेंड्स दिन की शुरुआत हो चुकी है। जप्पू के पापा यानी कि उफ डुगू जा चुके हैं आज, वो जल्दी चले गए हैं। अब हुए 10:30 और उनको गए अभी 1 आवर हो चुका है। आज वो जल्दी चले गए थे, उनको कोई काम था, ब्रेकफास्ट वो करके नहीं गए। लंच के लिए वो सब्जी आपने रात को देखा था मैंने बनाई थी आलू गोभी की, वो लेके चले गए। और अभी हम दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि अभी इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगी है। लग गई तेरे को भूख? बस मैं नीचे की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि किचन तो साफ है, तो मैं फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद जप्पू को ब्रेकफास्ट देते हैं। तो गाइज आज दिन में जो कुछ भी होगा वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, देखने के लिए बने रहना व्लॉग में। तो अभी यहाँ पे जपना हो चुकी है रेडी। मेरे मुंह से निकलता ही जपना जप्पू। तो अभी यहाँ पे जप्पू हो चुका है रेडी। इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? क्यों ना? किस लिए हंसी आ रही है इतनी? कोई जोक तो हुआ ही नहीं। मेरे को हंसी आती है, हंसी आती है। पागल होते हैं जिनको ऐसी हंसी आती है। तो ये देखो गाइस, अभी मुझे रोटी मिल चुकी है। आज मेरा परांठा खाने का दिल नहीं था और आज मैंने लिया रोटी। और अभी मेरे को मम्मा रोटी देके ऊपर चली गई है और मैं साथ साथ कार्टून भी देख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। जप्पू को मैं पहले से ही रेडी करके गई थी। तो आज हम जा रहे हैं मेरी भाभी के घर पे। अभी टाइम हो चुका है 12, मैं आज जल्दी फ्री हो गई हूँ तो सोचा कि चलो, दो सूट्स हैं मेरे पास सिलवाने के लिए, आपने देखे होंगे ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला। जब मैं अमृतसर गई थी तो मेरे को वहां से मैंने ये परचेज किए थे। तो अब गाइज मेरे को फिर से कहीं पे जाना है तो वो आने वाले कुछ दिन के व्लॉग में नजर आएगा आपको कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो अभी ये सूट मुझे स्टिच करवाने हैं तो ये सूट्स को ही मैं स्टिचिंग के लिए देने जा रही हूँ। और साथ ही मैं भाभी के घर पे भी जाऊंगी। वो भाभी जो है वो जो मतलब वीरजी है वो मेरे रियल वाले ब्रदर नहीं थे, बट अभी स्टिल वो रियल वाले ब्रदर से भी ज्यादा है। तो उनकी स्टोरी मैं आपको वहीं पे जाके बताऊंगी, देखने के लिए बने रहना व्लॉग में, व्लॉग को स्किप मत करना। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं, जप्पू मेरे साथ साथ चल रहा है। मास्क हमने नहीं लगाया है क्योंकि घर पास में ही है, मास्क की जरूरत नहीं थी। ये देखो गाइस, हमने जिनको सूट स्टिच करने के लिए देने थे वो तो घर पे है ही नहीं। जप्पू क्या बनेगा अब हमारा? घर चलते हैं। ये देखो गाइस, हमारे साथ चौकसी हो चुकी है और अब हम यहाँ से नीचे उतरने लगे हैं फिर से। तो ये देखो गाइस, अभी भाभी के घर पे आ चुके हैं। हाय भाभी। हेलो। जपने भाभी को सत श्री अकाल तो कर दे, क्या हो गया, कहाँ घूमने जा रहा है? कर दी तूने, पहले ही कर दी, फिर कर दे। तो ये है गाइस भाभी का घर और ये देखो यहाँ पे कितना छोटू सा एक्वेरियम भी है, नहीं है। और ये छोटू सा भाभी का घर है, बहुत ही प्यारा सा। तो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये जस्ट भाभी का घर है और ये भाभी के घर के सामने वाला ये जो घर है, यहाँ पे मैं रहती थी और जप्पू भी यहीं पे ही हुआ था। सबसे पहले वाला घर यहीं पे ही था, हम जप्पू को यहीं पे ही लेके आए थे फर्स्ट टाइम। मैं मतलब जब भी इस एरिया में आई थी तो मैं इसी घर में आई थी सबसे पहले, यहीं पे मैं रहती थी, यहीं पे खूब मस्ती भी करी है, यहीं पे जप्पू भी हुआ है और यहीं पे जप्पू की बुआ की शादी भी करी थी हमने। तो गाइज आप लोगों ने ये जो मेरी भाभी है इनको पहले वाले मेरे व्लॉग्स में देखा है, ये जप्पू के बर्थडे पे भी आई थी। और यहाँ पे देखो भाभी के बेटे की कॉल भी आ गई है मिक्कू की, मैं अभी आपसे 2 मिनट के बाद बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं भाभी के साथ बैठ के बातें कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये जो भाभी है ये मेरी रियल है या लाइक मतलब ये मेरी रियल भाभी तो नहीं है, ये मेरी रियल से भी बड़के हैं।
जैसे रियल होती है ना उससे भी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है हम दोनों की। जैसे मैं आज से 9 साल पहले, मतलब मेरी मैरिज को 11 ईयर्स हो चुके हैं, भाभी जप्पू के साथ इशारों में बातें कर रही है, 11 साल हो गए मेरी शादी को। तो मैं 10 साल पहले मैं इस वाले सामने वाले मकान में आई थी। तो ये जो भाभी है ना, इनका शुरू से ही जप्पू के साथ बहुत प्यार है, क्योंकि जप्पू इन्हीं के हाथ में पला है और इन्होंने जप्पू को बड़ा किया था। जब मैं यहाँ से गई थी तो जप्पू मेरा 3-3.5 साल का था, है ना भाभी? छोटू सा 3-3.5 साल का था जब हम यहाँ से चले गए थे। तो मतलब ये हम आमने सामने रहते थे, भाभी और मेरा बहुत प्यार था, हम लोग मतलब अच्छे फ्रेंड्स थे। दिन में उठना, ब्रेकफास्ट भी हमने करना तो ऐसे आमने सामने बैठ के, और लाइक जब करवा चौथ का व्रत होता था ना गाइस, तो तब भी मैं सामने बैठती थी और भाभी इधर बैठती थी, भाभी सरगी बनाती थी सुबह अर्ली मॉर्निंग और हम दोनों साथ में खाते थे। तो मतलब यहाँ पे टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला सबका। बीच में फोन, अभी फिर मेरी जो रियल वाली भाभी है उनकी कॉल आ गई है। तो गाइस सॉरी, मैं भी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस ये देखो भाभी का बेटा, और इसको इतनी शर्म आ रही है ना व्लॉग में आते हुए। देखो शक्ल देखो इसकी, कहाँ करी है इसने भाई, तेरे फेस पे ना लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। हाय हाय, ये देखो इतना बड़ा और मैं इसकी इतनी, मतलब इतनी यंग बुआ। ओहो देखो मैं कितनी, देख लो मेनू इसकी शादी होने वाली है भाई, शादी करा ले मुझे, नाचना तेरी शादी। टोर नाल छड़ा नहीं, व्याह नाल छड़ा भी नहीं होता, व्याह करा मैं भी आना तेरे व्याह च। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपने सूट का साइज भी दे चुकी हूँ और सूट्स मतलब मैंने स्टिचिंग के लिए दे दिए हैं। सॉरी स्टोरी बीच में ही रह गई थी, फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अभी आपको बता रही थी ना कि मैं यहाँ पे सामने रहती थी, तो लाइक मतलब जब जप्पू हुआ था तो हम लोग यहाँ से, जप्पू 3-3.5 साल का था जब हम यहाँ से चले गए थे। तो फ्रेंड्स अभी भाभी मेरे से गुस्सा हो रही है क्योंकि ना घर पे कोई आ रहा है, और वो भी सरप्राइज है आपके लिए, कौन आ रहा है घर पे। और भाभी को गुस्सा आ रहा है कि मैं आज, भाभी मैं आपके घर पे कितने दिनों के बाद आई हूँ, कम से कम कितने महीनों के बाद आई हूँ, मुझे लगता है मैं 4-5 मंथ्स के बाद आई हूँ भाभी के घर पे, और फिर भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है ना, घर पे कोई आ जाए तो। भाभी हम उसको ये नहीं कह सकते ना कि हम घर पे नहीं आ रहे, बेचारी पापी नाराज हो गई। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही थी ना, तो ये भाभी जो है ना ये सामने रहती थी। मैं जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मैंने फर्स्ट टाइम भाभी को देखा ना, तो मुझे लगा बहुत ही प्राउडी सी लेडी है, मैंने नहीं इससे बात करनी। उसके बाद हमारा रिलेशन ऐसा हो गया गाइज, आप मतलब ये सोचो, जान तो जान हाजिर है इनके लिए। तो ये आधी रात को भी आवाज मिले ना मेरे को, जान तो जान हाजिर है इनके लिए। तो मतलब हम लोग ऐसे आमने सामने रहते थे, तो पहले भाभी का गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई, मतलब भाभी को स्टोन थी गॉल ब्लैडर में, तो भाभी की सर्जरी हुई 11 नवंबर को, मेरे को नहीं 11 नवंबर को ना, हाँ नहीं 12 नवंबर को, 12 नवंबर को भाभी की सर्जरी हुई। जब वो होने वाला था मुझे एट मंथ मेरे को लगा हुआ था, तो भाभी की सर्जरी हुई उसके बिल्कुल 1 महीने के बाद ही मेरी सर्जरी हुई। मेरा जब वो सर्जरी से हुआ था, 1 महीने के बाद जप्पू आ गया। उस टाइम हमारा रिलेशन, उस 1 महीने में जो हमारा रिलेशन था वो बहुत अच्छा हुआ। उसमें क्या हुआ, भाभी जैसे बहुत ज्यादा बीमार थी, तो भाभी को रेस्ट बोला डॉक्टर ने, तो उसमें हम लोगों ने मतलब मुझे ये क्या था, आ तो मैं नहीं सकती थी सामने से, जैसे खाना बनाया तो हमने शेयर कर लिया एक दूसरे से, ऐसे मतलब हमारा टाइम बहुत अच्छा बीत गया। तो जब जप्पू हुआ ना, तो मतलब वीर जी एक बार घर पे अकेले थे, तो वीर जी मेरे को देख के रोने लग गए, वो कहते मेरे को ना कोई राखी नहीं बांधता। तो उस दिन से मैंने वीर जी को राखी बांधनी शुरू करी, आज 8 साल हो गए हैं, और जब तक मैं मरूंगी नहीं ना, जब तक मैं हूं तब तक मैं ऐसे ही प्यार करूंगी, तब तक मेरा रिलेशन ऐसे ही रहेगा, मेरा बॉन्ड ऐसे ही रहेगा इनके साथ। और जप्पू की तो बहुत ही बनती है इनसे, जप्पू तो इनका बहुत ही ज्यादा दुलारा है ना जप्पू। और मैं और एक और बात देखो, मैं मतलब मेरी भाभी है और ये भी भाभी कहता है, तेरी थोड़ी ना भाभी है, तेरी मामी है, तेरी मामी है, ये इसकी भाभी है, मतलब ये भी भाभी ही बोलता है। चलो खाना खा लो। तो चलो ठीक है गाइज, ये इतनी सी हमारी स्टोरी थी, हमारा प्यार बाबा जी करे ऐसे ही बना रहे। तो अभी फटाफट से लंच कर लेते हैं क्योंकि जाने का टाइम हो गया, और घर पे कोई आ रहा है तो आपको मिलवाते हैं कि कौन आ रहा है घर पे। तो गाइज अभी यहाँ पे लंच रेडी है, भाभी जो है ना वो पहाड़ी कल्चर से है, पहाड़ा नहीं ये वाली भाभी, तो यहाँ पे ना रोटी भी पहाड़ियों की जैसे ही मिलती है। मैं हाथ से नहीं खाती, वैसे मैं स्पून से ही खाती हूँ, मेरे को ये ऐसा नहीं है कि मुझे हाथ से मतलब कोई खाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाती हाथ से, मेरे को शादी से पहले आदत थी, अब आदत छूट चुकी है। तो अभी मैं लंच करने लगी हूँ गाइज, अभी हम यहाँ से अलविदा बोल रहे हैं लेकिन भाभी को साथ ही लेके जा रहे हैं।
तो भाभी को भी मैंने तैयार करवा दिया। ये देखो भाभी भी हमारे साथ ही जा रही है, अभी हम घर जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ते से सामान लेना है, वो लेके फटाफट से घर पहुंचती है और घर पे कोई आ रहा है, अभी मिलवाती हूँ आपको उनसे, कौन आ रहा है अभी घर पे। यस यस उतर रहे हैं बिल्कुल। ये देखो हमारे घर कौन आया, आदि बुआ। दोनों का व्लॉग चल रहे थे। हेलो जप्पू की मम्मी। अच्छा फिर शादी आप तो अभी यहाँ पर आ चुके हैं ये ट्यूशन के बच्चे। ये देखो फ्रेंड्स इन्होंने रोटी नहीं खानी, कह रहे मेरे को रोटी नहीं खानी। ये देखो इन्होंने अंकल खिलाई नहीं रहे तो कैसे खाओ? जब खिलाई क्या नहीं रहे कुछ भी जवाक लेके बैठी पढ़ा दे कि खवाई नहीं रहे। हुन जवाक ता बैठे नहीं ना भी ट्यूशन टाइम में तो जवाक नहीं। गाइस इन्होंने ना आना था, मैं सुबह से इनको इतने फोन कर चुकी हूँ, इतने करे सी इन्हें बोला ये पूछो आप करे सी जनानी जड़ी मैंनू कहंदे भी है पुत्त मैं घरों निकलन तो पहले फोन कहन तो 5 मिनट पहले आए करे वापस पुत्त मैं थानू घरों निकलन तो पहले फोन किया सीगा भी तुसी आ रहे कि नहीं यार तुसी मेरा फोन ही कट दा को जी ए थोड़ा ना हुंदा डॉक्टर कोल बैठी फोन चक्का थोड़ी डॉक्टर को बैठी गल्ला करा थोड़ा थोड़ा फोन बिजी जा रहा सी पुत्त उस टाइम तुसी बीच मेरा फोन कटया। बोलो बोलो ये देखना गाइस ये दोनों मिलक के मेरी कितनी बेइज्जती कर रही है सच्ची में। इस बात पे खुश हो कि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। थैंक यू थोड़ी बहुत इज्जत कहीं ना कहीं थैंक यू खुश हो जाओ। थैंक यू ढेर बनवा रहे कौन खाएगा रात को आप। और यहाँ पे मोटे का डांस चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोटू डांस कर रहा है। और यहाँ पे हम मैंने लंच रेडी करके फटाफट से लगा दिया ताकि ये जो मेरे को इतनी मेरी बेइज्जती करे ना कि मैंने लंच नहीं बनाया, मैंने लंच बना दिया है। लंच खाने बेटा आओगे तो खाओगे ना। और यहाँ पे देखो बेचारे मेरे बच्चे छोटू से पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आरती भट्ट जोशी हमारे व्लॉग बना रही है और मैं उनका बना रही हूँ। व्लॉग से व्लॉग टकरा गया। यहाँ पर अभी बुआ आराम से लेटी हुई है और बुआ क्या कर रही है? व्लॉग एडिट। क्या व्लॉग एडिट? जो आप अभी शाम को देखोगे 7 o'clock वो बुआ अभी एडिट कर रही है। दिखाना बुआ अभी हम लगा रहे हैं टैग। टैग्स लगा रहे हैं बुआ। अरे पूरा व्लॉग एडिट है? पूरा व्लॉग एडिट है कर लिया है। अब हम लगा रहे हैं टैक्स वो भी लेट के। ये रील्स कब बनाओगे? अब जब हम फ्री हो गए, जब आप वीडियो प्राइवेट करोगे इसके बाद। यस और यहाँ पर पुष्पा और राजू आराम से फरमाइशें सो रहे हैं। ये देखो गाइस इनकी वो जो लेडीज वाली बातें होती है ना वो चल रही हैं यहाँ पे। क्या झूठ 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 क्या होता है बेटे? कर तो आप चुगलिया ही रहे थे। चुगलिया कर रहे बैठे नु सुन गया बंदे घर पे आ जाए तो फिर बंदा सामने वाला भी तो सोचेगा ना कि मैं भी वेला ही हो जाऊं, मैं भी क्या करूं पढ़ा के। ये देखो गाइस ये पूरा का पूरा डब्बे पे इन्होंने हमला करा हुआ दोनों ने। इन्होंने हमें चीनी खिलाई और ये डब्बा छुपा के रखा। ये डब्बा हमें दिखाई दिया, दीदी ने देखा सामने पड़ा था तो ये कह रहे इसमें क्या है, इनको लगा कि पहले गिफ्ट है इसके अंदर। ये देखो गाइस इनकी हरकतें जरा, ये जाके कोई गाल ये आए हैं चोरियां करने हमारे घर पे। जितने तुम्हें चीनी खिलाई ना हमको उतना वसूल के जाएंगे। ये देखो गाइस ये देखो और जप्पू देख देख हंस रहा है, इनको भी ये क्या हरकतें लगी हैं करने। और यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, टन 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 लड़ाइयाँ हो रही हैं। व्लॉग बना रही है तो बच्चे लड़ाइयाँ ही करेंगे पीछे से लड़ाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बताओ ऐसी टीचर है बेटे, कभी कभी मस्ती का भी दिल होता है, टीचर भी इंसान है। सच में? यस। इंसान किसने कहा तुम्हें? मैंने। तुम जनावर हो। ये देखो अभी अंगूर लाई है। ये मेरे सारे। ओ माय गॉड
और बुआ ये सारे मेरे और बुआ खाने में लग गए हैं जो कि बुआ ही लाई थी। ये सारे मेरे, ये देखो यही है वो जनानी जिसने मेरे सारे अंगूर खींच लिए। उत्ते पे ट्रे भरी पई। तो अभी मैं ट्यूशन पढ़ा के हो चुकी हूँ फ्री। आज मुझे लगता है डिनर हम घर पे नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे घर पे ये मैडम जी आए हुए हैं ना, इसलिए हम आज डिनर करने जाएंगे बाहर। और इनको सच्ची में कुछ नहीं सुनाई देता, फोन में घुस जाती हैं। मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ शायद। हाँ मैं अक्सर करती हूँ क्योंकि तुम पागल हो। आप भी थोड़ा थोड़ा मेरे पे जाओगी ना फिर। वो बेटे आपका असर आ गया ना मेरे में, पूरा नहीं आया, आने भी नहीं दूंगी मैं। अभी अकेला बेचारा क्या कर रहा है, तन्हा तन्हा, इसको भी खाई लेते हैं। जा ऐश कर कंगार कंगार। जब तू क्यों हड्डियों को देख रहा है। गाइज ये दोनों ही पागल है सच्ची में। चलो अभी देखते हैं। मैं ये देखो अभी कितना ज्यादा गंद मच चुका है, सारी सफाई करनी पड़ेगी, फटाफट से कर लेते हैं। नहीं नहीं मत करो, चार पांच नौकर जरूर के ब्राउन को बेटे रखे ही नहीं ना। रामू शामू कामू पामू। हे पुष्पा पुष्पा श्रीवल्ली पागल हो गए दोनों। चलो गाइज अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो अभी घर पे सारा काम हो चुका है ओवर, मैंने दोबारा से किचन साफ कर दी है, बहुत सारे बर्तन हो गए थे धोने के लिए। और फिर से भूख लगी है जप्पू को, यहाँ पे जप्पू खा रहा है दाल चावल, साथ साथ जप्पू के मैंने भी ले लिए थोड़े से क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख मुझे भी लगी है। तो आज गाइज घर पे मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि हम डिनर करने जा रहे हैं बाहर, हमें गंदी आदतें पड़ी हुई हैं बाहर से खाने वाली। तो अभी आपके साथ मिलते हैं थोड़ी देर में बाहर, जब तक डुगू भी आ जाएंगे और पुच्चू जी के कुच्चू भी आ जाएंगे, तो साथ में मिलेंगे। देखने के लिए बने रहना व्लॉग में। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए और यहाँ पे आरती मैडम जी हो रही हैं रेडी। इनको इतनी रेडी हो नू, चार्जर पाया बैग च उससे रेडी था। फिर सामान तो रख ही रहे हो ना अपना? नहीं रख रही मैं सामान। ना रखो फिर, नहीं रखा, ना रखो फिर, ना रखो, ना रखो, ना रखो, कहता तो कहता मैं भी फिर। तो चलो ठीक है गाइज, हमारी मस्ती तो ऐसी चलती रहेगी, मिलते हैं आपसे वहीं पे जाके। यहाँ पर अब हो गया है डिनर टाइम सिटी पे। क्या खाएगा? अफगानी चिकन खाएगा। यहाँ पर ये भी आ चुके हैं, हमने पहले टेबल मिल दी, वो नीचे ही है वो। हाँ तो अभी हम यहाँ पे आके बैठ चुके हैं, ऑर्डर की वेट हो रही है, कितनी देर में आएगा ऑर्डर देखते हैं। ये मोटा तो घर से दाल चावल खा के आया, तूने तो नहीं खाने ना? अच्छा माँ मोटी ने नहीं खाया, माँ ने खा के आई ना? तो मैंने खाए, खुद भी तो खा के आए, ब्लॉग में लोगों ने खुद देख रखा है, ठीक है, ये भी खा के आई है, पता है मैंने खा लिया, मैंने खा लिया, मैंने खा लिया, मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। ये ना दोनों के दोनों ही पागल है गाइस सच्ची में। ये भी यहाँ पर आइए चाप इनके लिए। मलाई मलाई चाप यहाँ पे हमारी आइटम आ चुके, तंदूरी चिकन अफगानी चिकन हमारी आइटम तुम्हारे साथ। अब इनके लिए मंगाई है मिस्सी रोटी, ये खाएंगे चाप के साथ। कहते हैं मैंने सब्जी नहीं खानी, मेरे पेट भर चुका है। बच के रह
और यहाँ पर मैं अभी मेरे बैठ के फेल हो चुकी है। यहाँ पर मेरी मैं बोर हो रही हूँ। मैंने अब रोटी भी नहीं खानी। मेरे एक तो पेट भी और बकर की चैन नहीं निकल आ रही है। नीली राम खाना खा लो, खाना खा लो और खा लो। और ये पापा ये क्या? बटर रोटी। बटर रोटी ये देखो शॉप में टूट के बता रहे हैं। ये देखो सारे नु भूख पै गई सौंफ दी। तो गाइस अभी हमारा डिनर हो चुका है।